चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। लखनऊ से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी ने राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें नाम है संगीता यादव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दोनों को राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवारों के तौर पर उतारा गया है। साथ ही साथ सुरेंद्र नागर, राधामोहन अग्रवाल को भी टिकट मिला है। दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद को भी उम्मीदवार बनाया गया है। आज थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर संगीता यादव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधामोहन अग्रवाल, दर्शना सिंह और बाबूराम निषाद को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और इन उम्मीदवारों में सबसे पहले नाम आया है संगीता यादव और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, जिन्हें राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिला। इनके साथ साथ सुरेंद्र नागर, राधामोहन अग्रवाल, दर्शना सिंह और बाबूराम निषाद को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद राज्यसभा में बीजेपी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें नाम आया है दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, संगीता यादव और लक्ष्मीकांत वाजपेयी।